मैं गुलाम सिंह डार चक्का ए टू भरतपुर से बोल रहा हूँ। मैं मीडिया वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसा जुल्म हो रहा है। जो मकान मोदी साहब ने हमको दिए थे, उन मकानों की कमीशन जनाब 30-30 हज़ार हमसे मांगी जा रही है। वो सेक्रेटरी और हमारे जीआरएस साहब 12 बजे दिन के लोगों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये कमीशन हमको दे दो, फिर किस्त पड़ेगी। हमें ये बहुत बड़ा अफसोस है कि अगर गवर्नमेंट ने दान किया था तो इसकी कमीशन कैसे। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था कि अगर ब्लॉक वाले गरीब हो चुके हैं तो इनको हम बेचारों को कहीं चंदा करके देंगे या मोदी साहब को बोलेंगे इनके खाते में कुछ डाले, तो वो भी नहीं हुआ। तो अब आज हम डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास आए थे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि हम अवेयरनेस कैंप एक चक्का ए टू भरतपुर पंचायत में रखेंगे, हफ्ते के अंदर रखेंगे। हम बहुत खुश हुए। लेकिन इसके साथ साथ मैं मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी पुरानी पेमेंट है जो मेरे वक्त की थी, वो पेमेंट है वो होनी चाहिए। नंबर दो जनाब सेक्रेटरी की यहाँ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। नंबर तीन जीआरएस को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। नंबर पाँच जनाब जो भी काम किए गए हैं इन्होंने किए हैं 2 साल में, वो चेक होने चाहिए। और मैं ज़िला इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी कदर से कहा हमको कि हम एक हफ्ते के अंदर अवेयरनेस कैंप रखेंगे, क्योंकि उस अवेयरनेस कैंप में खुद ही पता चलेगा ज़िला इंतज़ामिया को कि क्या लोग सच्चे हैं या झूठे हैं। हमें चलने के लिए रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई सड़क का साधन नहीं है, हमारे पास राशन की बहुत परेशानी है, हमारे पास हर चीज़ की परेशानी है। और जनाब जो 14 FC का पैसा है जनाब वो पूरा जनाब खैरात के तौर पर बांट दिया है 7-8 आदमियों ने, वो कहीं भी नहीं लगा है। उसके हकदार सिर्फ़ हमारे पंचायत के सदस्य और ब्लॉक के हैं। हम ज़िला इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला वो आने वाले हैं। और मीडिया वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये आवाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनको क्या पता है कि मेरे कितने चोर नीचे बैठे हैं जिन्होंने गरीबों का खून आज तक लूट कर खाया है और इस वक्त भी खा रहे हैं, दो दो हाथों से लूट रहे हैं। और इख्तियार तो उन्होंने पंचायत को दे दिए, लेकिन इख्तियार ये दिए हमारे असर BDO को, इतने इख्तियार दिए हैं, 4-5 ब्लॉक दे दिए हैं और बहुत बड़ा एक कसाई है और कसाई को यहाँ बिठा कर रखा है 4 साल से। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी बात ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। शुक्रिया।